हेलो बच्चों, मेरा नाम वर्षा पाल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल सेवियर एकेडमी पर। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथ की क्लास स्टार्ट की है, जहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर किया है। अभी तक हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 8.4 की तरफ। चलिए, हमें इसमें क्या है, एक्सरसाइज जो 8.4 है हमारी, उसमें हमें क्या पता होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं कुछ हमारी। आज हम सबसे पहले उनको डेराइव करेंगे कि वो आई कैसे हैं, ठीक है, और फिर हम उसको अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चंस में। चलिए करते हैं हम स्टार्ट अपनी। देखिए, जैसे हमारा कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। अगर ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है और हमारा जो एंगल थीटा है यहाँ पर, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी, लंब जो होगा, आधार होगा बी सी, कर्ण होगा ए सी, ठीक है। चलिए, जब हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या हमें ये नहीं पता कि हमारा ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से लिख सकते हैं हम ऐसे, चलिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, कैसे आई है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देन डिवाइड बाय ए बी स्क्वायर, जब हम इसे ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को, तुम्हारे पास क्या आता है, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर इज स्क्वायर। अच्छा, ये तो है ही। आपको हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी तो हमने क्या बताया था, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताए थे। एक बार हम पहले उनको भी लिख लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। देन कॉट थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होता है हमारा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में इम्प्लीमेंट किए थे, यूज़ किए थे वहाँ पर, हमने वहाँ सीखा था इनका यूजेस, ठीक है, वो आपको पता होगा। चलिए, इस फिगर के अकॉर्डिंग, ट्राइंगल ए बी सी के अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग हम बात जब करते हैं, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी, बेस क्या होगा बी सी, एंड ये क्या होगा हाइपोटेनस। दैट मीन्स ये होगा आपका आधार, ये होगा आपका लंब, और ये होगा आपका कर्ण, ठीक है, राइट, सही कहा हमने। चलिए, अब आप देखिए पी की जगह क्या आ सकता है, ए बी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है हमारा ए सी, बेस क्या है हमारा बी सी, हाइपोटेनियस ए सी, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है हमारे पास बी सी, बेस बी सी, परपेंडिकुलर ए बी, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी, बेस क्या है हमारे पास बी सी, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास ए सी, एंड परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ए बी, ठीक है। चलिए करते हैं यहाँ पर हम, अब हमको क्या इसमें इस चीज़ का यूज आएगा, इसलिए हमने पहले इसको डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए, क्या करना है हमने, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको यहाँ पर ए बी से डिवाइड कर दिया हमने। चलिए, अगर हम सबको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आएगा, आ जाएगा हमारे पास। चलिए, ए सी अपॉन ए बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा प्लस, इसे हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। चलिए, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी कोसेक थीटा लिख सकते हैं हम, कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, ये रहा बी सी अपॉन ए बी कॉट थीटा, लिख सकते हैं हम यहाँ पर कॉट थीटा होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए, कोसैक थीटा का स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, कोसैक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक आइडेंटिटी आ गई ट्रिग्नोमेट्री की, जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। चलिए,
आ गई, जब हमने इस इक्वेशन को डिवाइडिंग बाय ए बी स्क्वायर इक्वेशन नंबर टू वन, इक्वेशन नंबर वन को हमने क्या क्या डिवाइड किया, अब हम करेंगे डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से डिवाइड इक्वेशन वन बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से इक्वेशन वन को क्या करिए डिवाइड कीजिए। चलिए करते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। लिख सकते हैं हम, चलिए ए सी से ए सी यहाँ कैंसिल वन आ जाएगा, ए बी अपॉन ए सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम बच्चा, अब देखिए ए बी अपॉन ए सी क्या है, ए बी अपॉन ए सी साइन थीटा, लिख सकते हैं इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा, लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। एक आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गई, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं इस इक्वेशन को डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन वन बाय तीनों साइड हो ए सी ए बी बी सी, हमने ए बी से कर लिया ए सी से कर लिया, टर्न किसके बी सी की, बी सी स्क्वायर, ठीक है। चलिए करते हैं, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचे यहाँ आ जाएगा वन प्लस ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी टेन थीटा, लिख सकते हैं हम इसको टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी इज सेक थीटा, लिख सकते हैं हम इसको सेक स्क्वायर थीटा। तो आपकी तीनों की तीनों क्या आ गई हैं, आइडेंटिटीज आ गई हैं, देखिए ठीक है। चलिए सबसे पहले हमें क्या करनी है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज जैसे हमारे पास तीन ही कब क्वेश्चंस में कैसे हम यूज करेंगे अब हम उसको सीखेंगे। चलिए यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ यू वांट, चलिए ले करें ना। अब तीनों हम आइडेंटिटीज लिख लेते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की, कौन कौन सी भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, एक है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, एक है हमारे पास वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है। चलिए ठीक है, क्या क्या है हम एक बार देखें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा एंड वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोस एक्स स्क्वायर थीटा। चलिए हम इसको वो हमारे अकॉर्डिंग बात हम इसको कैसे लर्न करते हैं, ठीक है, हम इसे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा लर्न कर लीजिए या फिर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्योंकि हमें याद तो एक तरीके से करनी है, क्यों, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करते हैं ना क्वेश्चन में वो हम अपने आप चेंज कर सकते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंग बात है कि हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ये नहीं है आपको तीनों तरीके से लर्न करनी है कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इसको सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन, नो, ऐसे आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो एक तरीके से लर्न करें और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उससे बात करें, दैट्स इट। चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज 8.4 की तरफ, हम बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिकोणमितीय अनुपातों एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसकी टर्म में, साइन ए सेक ए टेन ए, ये हमारे कुछ हमको क्या दे रखे हैं, साइन ए कॉट ए एंड टेन ए, एक्सप्रेस करना है इनको इन टर्म्स ऑफ कॉट ए,
इन टर्म्स ऑफ कोटे। कोटे के टर्म्स में कहने का मतलब क्या है इनका, मतलब कि हम साइन ए इक्वल होना चाहिए उस चीज के कि यहाँ पे कोट आना चाहिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। चलिए करते हैं हम सॉल्व इसको। आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं आप सभी, अभी हमने उधर लिखा है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के, सब जानते हैं ये तो, सही बात है। क्या हम कोसेक स्क्वायर थीटा को ये नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं? अरे ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन साइन थीटा के। लिख सकते हैं हम इसको, लिख दिया हमने, इसको हम इधर पहुंचा देते हैं एंड इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर है, हमें साइन चाहिए, ए लेके चलना है हमने, हमने यहाँ पर थीटा ले लिया, ए बना लेते हैं हम इसको, चलिए हो गया ए। हम क्या करना है इसको, अंडर रूट को ऐसे लेके जाना है, आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को स्क्वायर। तो साइन ए हमारा किसके टर्म्स में आ गया, कोट के टर्म्स में आ गया, यही तो चाहिए था हमें। सेकेंड है हमारा साइन सेक, ये हमारा सेक है यहाँ पर जो है क्वेश्चन में हमारा सेक। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे सेक की। सेक हम जानते हैं सब, क्या जानते हैं हम, अभी आइडेंटिटी पढ़ी है हमने, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है सेक स्क्वायर थीटा के। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपको ये लर्न हो गई है। तो अब हमें क्या करना है कि हम टेन स्क्वायर थीटा को कोट नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 प्लस, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, टेन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। सुपर लर्न है आपको, लिख सकते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए अब आप तो चाहिए इसको एलसीएम ले लीजिए एज योर विश, हम लिख सकते हैं इसको कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा। अंडर रूट हम इन्हें एक्सचेंज कर लेते हैं, सेक थीटा एंड ये आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा यहाँ पर, यह आएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। कोट यहाँ पर स्क्वायर में है और जब कोई चीज़ स्क्वायर में होती है वो बाहर आ सकती है हमारी, है ना, तो हम इसको चाहे तो बाहर लिख सकते हैं एज योर विश, लेकिन सेक हमारा किसके टर्म्स में आ गया, कोट के टर्म्स में आ गया, यही तो चाहिए था हमें, सेक हमारा कोट के टर्म्स में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे किसकी, टेन की कोट में। सिंपलेस्ट यही हमने यहाँ यूज़ किया है, टेन को किस में करना है, कोट थीटा, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, हो गया इसके टर्म्स में, देख लीजिए एनी प्रॉब्लम, यही तो हमने पहले यूज कर लिया, हो गया। ये हम क्यों सीख रहे हैं एक्सप्रेस करना किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो किसी और में क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे प्रूव वाले आएंगे जिसमें हमको प्रूव करना होगा, उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी कि हम क्या इसको किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो वो हमें आना चाहिए, सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, और हमने जो एक्सरसाइज 8.1 में किया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है एंड हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कहता है, एंगल ए है हमारा, उसके सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकले हैं वो भी सेक ए की टर्म्स में, क्या कह रहे हैं, कोई हमारा एंगल ए है, एंगल ए है मतलब, और उसमें क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ सेक ए, सेक ए की टर्म्स में लिखा। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था, कॉट के टर्म्स में लिखा था, अब हमें सेक के टर्म्स में लिखना है। चलिए करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन से। चलिए हम सब जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 के। हमें किस में चेंज करना है, सेक में चेंज करना है, हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, एक
यू डस्टर। चलिए हम इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। लिख सकते हैं ना बच्चा? देखिए आपने हमने क्या क्या ऐसे करके इसको प्लस का इधर नेगेटिव में लेके गए हैं सर, ठीक है। चलिए साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्या हम इसको 1 माइनस 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर ए नहीं लिख सकते हैं? ऑफकोर्स लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा होता है। चलिए अब हम इसको साइन हम इसको ऐसे कर सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस 1 अपॉन सेक्स स्क्वायर ए। अब आपका आगे का है कि आप एलसीएम ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए एंड सो ऑन। हमारा साइन ए सेक ए के टर्म्स में आ गया। चलिए सेकेंड है हमारा, और भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, कॉस ले लीजिए। कॉस का हमें ये रहा, ये तो हमने यहाँ यूज़ किया है, कॉस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक ए। आगे हमारा सेकेंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इन टर्म्स ऑफ सेक ए, एनी प्रॉब्लम? सिंपलेस्ट। थर्ड वन इज आइडेंटिटी देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर ए होगा। 10 ए एज इट इज, सेन स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर होगा, स्क्वायर हमारा जब जाएगा उधर तो क्या होगा अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। 10 किसके टर्म्स में आ गया? सेक के टर्म्स में आ गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट है कॉट हमारा, साइन कॉस एंड 10 कॉट करते हैं। कॉट क्या होता है हमारा? कॉट हमारा 1/10 नहीं होता, वैलेंट कॉट, कॉट हमारा 1/10 नहीं होता। अब 10 ए को हम क्या लिख सकते हैं? यहीं से हम देख सकते हैं, ये रहा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? देखिए 10 ए हमारा किसके इक्वल है? sec स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया हमारा कॉट ए इन टर्म्स ऑफ sec ए, दैट्स इट। नेक्स्ट sec तो sec के टर्म्स में होगा ही, नो डाउट। लास्ट वन हमारे पास बचा साइन कॉस टेन कॉट sec, cosec अभी हमारा रह गया। कोसेक क्या होता है? 1/ साइन, साइन हमारे पास है देख लीजिए, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस 1/ sec स्क्वायर ए हो गया हमारा कोसेक इन टर्म्स ऑफ sec। देख लीजिए आप एक बार, साइन कॉस टेन कॉट sec कोसेक सारे हमारे sec के टर्म्स में आ गए, ठीक है। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एक दूसरे के टर्म्स में आ गए। चलिए यू कैन टेक स्क्रीन शॉट। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमने अभी जो इससे प्रीवियस वाली एक्सरसाइज थी उसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किए थे, अब उसका क्वेश्चन में यूज आने वाला है, आपको पता होना चाहिए। नहीं पता? लेट्स रिटर्न वंस, ठीक है। क्या क्या आते हैं आपके? चलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। लर्न है आप लोगों को, बताइए। चलिए करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस थीटा 90 माइनस इज नाइन, साइन थीटा 10, कॉट थीटा, कॉट 10 थीटा, सेक कोसेक थीटा, कोसेक सेक थीटा। चलिए करें बच्चा, चलिए रिवाइज हमने किए हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। हमें मान निकालना है इन सबका, इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट दैट मीन्स मान निकालिए, निकाल लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। चलिए अभी इसके डिनोमिनेटर में है, लिखते हैं हम। चलिए ये आपको लर्न होने चाहिए, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन में क्या है हमारा? कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस
कोस स्क्वायर 73 डिग्री। चलिए करते हैं सॉल्व हम इसको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। चलिए साइन साइन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज होगा, इसका मतलब साइन स्क्वायर 63 प्लस इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 साइन 27 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे हम नीचे वाले को लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको बताइए। चलिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 27 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, देख लीजिए वहां पर साइन थीटा इज इक्वल्स टू कहाँ गए हम, कॉस 90 माइनस थीटा, ये रहा, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस साइन 90 माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं हम ऐसे, लिख दिया। चलिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 90 माइनस 27 इज 60, कॉस 63 का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन में 90 माइनस 73 17, साइन स्क्वायर 17, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, चलिए साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, थीटा यहाँ पर क्या है, एंगल है, और एंगल क्या है हमारा, सेम है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, दैट मीन्स योर रिक्वायर्ड आंसर इज 1। एनी प्रॉब्लम? चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, साइन 25 कॉस 65, सेकेंड साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65 लिख सकते हैं। चलिए आई होप आपने ये अपने नोट किया होगा, स्क्रीनशॉट जो आपको लेना है ले लिया होगा। चलिए करें आगे, चलिए हम इसे चेंज करेंगे, रेड से करते हैं। चलिए साइन इसे हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं इसको, हम लिख दिया हमने, प्लस कॉस 25 इसे हम लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 65 लिख दिया, साइन 25 साइन 25 प्लस ये है कॉस 25 कॉस 25। क्या हम 2 इंटू 2 को 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे 4, सही बात है लिख सकते हैं, लिखिए इसको भी ऐसे। फिर साइन स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर 25 लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज 1 आंसर। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने आई होप। चलिए रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना, चूज करना है सही ऑप्शन। चलिए फर्स्ट है 9x² माइनस 9 10² चलिए हो गया,
इसे करते हैं हम पहले, इसका हमें ऑप्शंस भी लिख लेते हैं हम एक बार. 1980, 1980. चलिए करते हैं सॉल्व. हमें आइडेंटिटी पता है, क्या पता है हमें, 1 + tan² θ इक्वल होता है sec² θ के. इसकी टर्म्स में लेके चले सकते हैं हम यहाँ पर. sec² θ ये पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, हो गया मल्टीप्लाई बाय 9 बोथ साइड्स. दोनों तरफ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9 से. क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए इसका जो मास है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कोफिशिएंट जो 9 9 है, दैट मीन्स हमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9 sec² θ माइनस 9 tan² θ. अब आप बताइए 9 sec² माइनस 9 tan² किसके इक्वल आया. क्वेश्चन में ए है हमारा, ठीक है हम ये बना लेते हैं, इसके इक्वल आया 9 के. दैट मीन्स आपका रिक्वायर्ड आंसर जो आया है वो 9 आया, दैट मीन्स ये ऑप्शन आपका करेक्ट है. सही है, चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं. सेकंड है 1 + tan θ + sec θ, 1 + cot θ माइनस कोसेक थीटा. चलिए टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एंड कॉस के टर्म्स में. फर्स्ट एक्सरसाइज अगर आपने नहीं देखी है, उसमें हमने फॉर्मूले किए हैं, तो वहाँ पर आप प्लीज़ देख सकते हैं, ठीक है, कि आपको ये लग रहा है मैम ये डायरेक्ट कैसे लिख रही हैं, है ना, तो हमने वो पहले किया हुआ है, ठीक है. टेन ए होता है हमारा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, क्या होता है हमारा 1 upon cos θ, 1 + cos θ साइन थीटा, कॉट हमारा कॉस एंड साइन होता है, एंड ये होता है 1 upon sin θ. अब वही जैसे हम करते हैं एलसीएम करिए, चलिए एलसीएम ले लीजिए. कॉस थीटा एलसीएम लेंगे, आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1. इधर लेंगे एलसीएम हम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, राइट. एक सेकेंड, हाँ जी कॉस थीटा, हाँ हो गया हमारे पास. अब इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा. हमने इसके ऑप्शंस तो लिखे ही नहीं आंसर्स. सबसे पहले ऑप्शन लिखे थे 0 1 2, ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है माइनस 1. हाँ जी चलिए बी 1 है. हाँ जी चलिए ये देखिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1. क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, एंड एज यू ऑल नो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा, स्क्वायर माइनस बी. लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पर, लिख लीजिए चलिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएंगे आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है. चलिए बच्चे करते हैं हम आगे क्वेश्चन अपना. कोस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो गया. चलिए आगे बढ़ते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा हमारा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos θ साइन थीटा माइनस 1 upon cos θ साइन थीटा, राइट. कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है, ये पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. देन हमारे पास बचेगा 2 cos θ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस से साइन थीटा कैंसिल आएगा 2, दैट मीन्स हमारा आंसर कौन सा सही है, ये वाला आंसर सही है, ठीक है. कोई प्रॉब्लम, क्या किया हमने, 1 + tan θ + sec θ, 1 + cot θ - cos, साइन कॉस के टर्म्स में ब्रेक किया इन्हें,
ब्रेक किया तो हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो मल्टीप्लाई हमने आइडेंटिटी का यूज किया एंड देन यू गॉट योर आंसर। चलिए आंसर हमें मिल गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए बच्चा sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए, वन माइनस साइन ए। चलिए ऑप्शंस लिख लेते हैं हम, sec a साइन ए cosec a साइन ए सेक है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा सेक है, सेक ए साइन ए सी कोसेक ए एंड डी इज कोस ए। चलिए सॉल्व करते हैं हम अपना क्वेश्चन। सेक ए प्लस टेन ए, इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे सबसे पहले, वन माइनस कॉस ए प्लस साइन थीटा, आई मीन टू से साइन ए कॉस ए वन माइनस साइन ए। एलसीएम ले सकते हैं, दिया आएगा वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चा, देखिए अब आप एक चीज़ यहाँ पर नोट करेंगे, आई होप आप लोगों ने नोट की हो, ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही अभी हमने पहले क्वेश्चन में किया था, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही हमने इसका वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल वन होता है। क्या हम इसको इधर नहीं पहुँचा सकते हैं, ऑफकोर्स पहुँचा सकते हैं, जब हम इस साइन स्क्वायर थीटा को उधर पहुँचा देंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। हमारे पास लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा। क्या कोस स्क्वायर थीटा को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं बच्चा, लिख दिया हमने, कोस थीटा से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा कॉस थीटा एंड आंसर कॉस थीटा ऑप्शन में है, सेक साइन ये आ गया आपका ऑप्शन एंड इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर राइट। चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं इसका हम। फोर्थ पार्ट है हमारे पास वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस कोट स्क्वायर ए एंड योर ऑप्शंस आर। आई होप आप सभी के पास बुक होगी है ना, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो भी हमने यहाँ पर ऑप्शंस एंड क्वेश्चंस इसलिए हम लिखते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम ना हो। ठीक है चलिए कोट स्क्वायर ए एंड टेन स्क्वायर ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना वही जो रूल हमने अप्लाई किया है लिख सकते हैं हम इसको। चलिए आइडेंटिटी हमें लर्न होनी चाहिए, वन प्लस टेन स्क्वायर ए हमने क्या है सेक्स स्क्वायर ए, लिख दीजिए सेक्स स्क्वायर ए। वन प्लस कोट स्क्वायर ए क्या होता है हमारे पास कोसैक स्क्वायर ए, सेक ए को हम कॉस और टेन उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, किसकी साइन एंड कॉस के टर्म में। चलिए लिख दीजिए सेक क्या होता है वन अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोसेक क्या होता है वन अपॉन साइन स्क्वायर ए, दैट्स इट। और ये आपको आता है इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके इसके साथ कर देते हैं हम, वन इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन वन इंटू कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, एंड साइन ए अपॉन कॉस ए आपको पता होगा क्या होता है, वो होता है हमारा टेन ए, दैट मीन्स टेन ए का स्क्वायर एंड टेन स्क्वायर ए। ऑप्शन है हमारे पास टेन स्क्वायर ए, यस है, दैट मीन्स इट आंसर इज योर करेक्ट आंसर राइट।
लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो बच्चों आज हमने क्या किया है, अपने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 आज हमने किए हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें हमारे 10 पार्ट्स आई थिंक, एंड उनको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो वो हम अपना प्रूफ का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमारा यहीं तक सफ़र था, कर लिया हमने। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में क्लास। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। ओके क्लास, बाय। कर्सर कहाँ गया इसका? थैंक यू, नीचे लगा।